चलिए स्टूडेंट, हम इसमें क्या देखेंगे आज, हम एक्सेल यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ें देख लेंगे। वैसे मैंने आपको सीधा गूगल पे जाना है, मैं वीडियो साथ के साथ अपलोड भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे सिर्फ ITR लिख दीजिए या फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखिए, या फिर आपको जो कन्वेंस लग रहा है उस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ITR लिख दिया, ई फाइलिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है प्रॉपर incometax.gov.in है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आ जाएंगे आप डाउनलोड पे। ये सारे ऑप्शन कहीं भी नहीं जाना आपने, आप किस पे आ जाएंगे सर, डाउनलोड पे। ये देखिए डाउनलोड है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नीचे आपका स्टार्टिंग में आएगा तो आप आ जाएंगे ITR 2, जो कि आपको फिल करना है। तो ITR 2 के ऊपर देखा जाए तो ITR 2 के अंदर आपका एक्सेल बेस यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल बेस यूटिलिटी, ये जिप फाइल बन के ओपन हो जाएगी। सिस्टम थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको मैनेज कर पाओ। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए जिप फाइल हो गया। जिप फाइल के बाद आपके पास WinRAR होना चाहिए, जैसे कि WinRAR सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसे अनजिप कर पाए। वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करिएगा इसको। सर WinRAR कहाँ से मिलेगा आपको, आप गूगल करेंगे उसके इजीली मिल जाएगा आपको, या आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा वीडियो क्या कैसे लेना है, आपको मिल जाएगा। ये मैक के लिए भी होता है ये, और विंडोज़ के लिए भी होता है, दोनों तरीके के बच्चे कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट फाइल हो जाता है, और एक्सट्रैक्ट फाइल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपका ITR फॉर्म जो है खुल जाएगा। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, वो एक्सट्रैक्ट कहाँ गया कहाँ गया। सर ये रहा, ये एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद देखिए ये सेम आ जाएगा। अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक एक्सेल फाइल होगा। एक्सेल फाइल ओपन करेंगे, सबसे पहले ये माइक्रोज में है, ये डायरेक्टली ओपन हो गया। कई बार आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वो चीज़ें बता दूँ। सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आ जाता हूँ आपके सामने लेके। चलिए मैं आता हूँ। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी रिस्क, और इनेबल करना होता है। तो सिक्योरिटी रिस्क के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के जाने के बाद प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे यहाँ पे अनब्लॉक करके अप्लाई करके ओके कर दीजिए, अब ओपन हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा प्रोसेस कि एक्सेल फाइल कैसे ओपन करना है। आप इनेबल कॉन्टैक्ट करेंगे, आगे सामने आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ये फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। तो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे ओपन करना है, कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकारी अगर बीच में रुक जाता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में दिया है। अगली वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके जो ये नंबर है सबको फिल करना सीख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।